विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ALP CBT 2 का एग्जाम का आगाज हो चुका है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आप में जिस किसी भी विद्यार्थी का अगर ALP CBT 2 का एग्जाम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। जी हाँ, और दूसरी चीज, आपको अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सक्सेस की 98 पे एक अपडेट आया है कि ALP CBT 2 का एडमिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी ने न्यूज़ अभी तक देख लिया होगा तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा सक्सेस की 98 पर जाकर। जी हाँ, यहाँ पे जीतू सर ने एक अनाउंसमेंट किया है ALP CBT 2 का जो एडमिट कार्ड आया है उसके बारे में बताया है कि कैसे देखना है। ठीक है, चलिए, ये तो एक न्यूज़ थी, आपको बताना था। और हाँ, जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर एजुकेशन की 86 चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर के क्वेश्चन से, जो कि आपके जनरल नॉलेज यानी कि GK के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टैटिक GK भी मिलेगा आपको देखने को और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ALP CBT 2 के प्रमुख दावेदार मानते हैं अपने आप को, तो इस पूरे क्वेश्चन को देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मैं PDF जो है टेलीग्राम में दे दूंगा, एजुकेशन की 86 पे जाके आप लोग वहां पे टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहे पहले चार प्रश्न, जो प्रश्न है हमारे, देखिए उसके बारे में बताता चला जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% इन द फिजिकल ईयर 2018-19 एंड 7.5% इन द फॉलोइंग टू ईयर। आपको बता दें कि विश्व बैंक के अनुसार जो है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है 18 और 19 की, ये 7.3 मापी गई है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत दिन से ही है और 7.5 है। अगले जो दो सत्र आएंगे आपका 19 और 20, इन दोनों के लिए 7.5% जो है आपका, ये रहेगा आपका अर्थव्यवस्था का वित्त वर्ष का एक प्रतिशत दर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। अगला जो हमारा है, कुमार राजेश चंद्रा हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ, SSB के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। कौन? तो कुमार राजेश चंद्रा, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। SSB के लिए पूछा गया है प्रश्न और आपके इसमें ग्रुप डी में भी प्रश्न पूछे गए थे ये। ठीक है, तो कुमार राजेश चंद्रा को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक यानी कि DG यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है यहाँ पे जो करंट अफेयर का ही है कि प्रसिद्ध इतिहासकार सव्यासाची भट्टाचार्य का कल हाल ही में निधन हो गया है, वो कितने वर्ष की थी, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। तो आंसर है यहाँ पे 81 वर्ष। ठीक है, कौन थी ये? तो एक प्रमुख इतिहासकार थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 81 वर्षीय है। जो अगला हमारा है GK कि रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में सुधार के तरीके सुझाने के लिए 5 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है, इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उनका नाम है नंदन नील कणी। जी हाँ, नंदन नील कणी, नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है। रिजर्व बैंक हैज अपॉइंटेड एज द 5 मेंबर पैनल टू सजेस्ट वे टू इम्प्रूव डिजिटल पेमेंट। द पैनल विल बी हेडेड बाय द नंदन निकेनी। ओके, चलिए अब अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ का चार, अगला जो प्रश्न है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए, केरल सरकार द्वारा स्थापित हरिवंशम पुरस्कार के लिए पार्श्व गायक के लिए किसे चुना गया है? तो उनका नाम है P सुशीला को चुना गया है, नोट कर लीजिएगा। प्लेबैक सिंगर हैं P सुशीला, हैज बीन चूजन फॉर द हरिवंशनम अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट। ओके, चलिए छठा है कि शेख हसीना, देखिए शेख हसीना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है बांग्लादेश में ही कि ये अपने चौथे कार्यकाल के लिए भी चुनी गई हैं और इन्होंने शपथ लिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये क्योंकि रिकॉर्ड है तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है आपके ALP CBT 2 के लिए।
जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हैं, चाहे आप हैं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स या फिर फिटर से, कोई सा भी ट्रेड हो, आपको करंट अफेयर पढ़ना अनिवार्य है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा जो है यहाँ पे जीके, ये है कि जापान से है। देखिए, जापान ने देश छोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का प्रस्थान करना कर लगाया है। देखिए, प्रस्थान कर अब लगेगा वहाँ पे, जो भी देश को, देश से मतलब बाहर जाएगा उसके ऊपर जो आपके लिए जो टैक्स लगेगी उसको डिपार्चर टैक्स कहा जाएगा, जो कि जापान ने लगाया है। ठीक है, तो ये अपने आप में भी एक अद्भुत चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा। USA क्रिकेट बिकम द 105th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जी हाँ, USA यानी कि अमेरिका भी ICC के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि ICC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और ये पूछेगा कि USA जो है ये जो है कौन से स्थान पे है, तो ये 105वें स्थान पे है क्रिकेट काउंसिल के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अब हम यहाँ पे अगले जो यहाँ पे प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न है, एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिद्धार्थ कमल एंड द मनिका भत्रा डिफिक्टेड डॉप सीडेड द पेयर ऑफ मानव ठक्कर एंड द अर्चना गिरीश कामत 3-1 टू विन द मिक्स डबल गोल्ड इन द 18th नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपका। जो अंचल शरद कमल हैं और मनिका बत्रा की एशियाई खेलों की कांस्य पदकधारी जोड़ी ने मानव ठक्कर और अर्चना गिरीश कामत की शीर्ष जोड़ी को 3-1 से हराकर 80वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का एक युगल स्वर्ण पदक जीता है इन लोगों ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अंचल शरद कमल और मनिका बत्रा ने किसे हराया है, तो सबसे प्रसिद्ध जोड़ी है जो कि 80वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस में इन्होंने अपना इनको हराया है, और ये जोड़ी का नाम था क्या, तो मानव ठक्कर और अर्चना गिरीश कामत। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है यहाँ पे, कि विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। विश्व बैंक की मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रिस्टलिना जॉर्जीवे 1 फरवरी को संस्थान के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में संभालेंगी। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम हैज़ अनाउंसड हिज रिजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, अब ये जिम योंग किम जो हैं, इन्होंने रिजाइन दे दिया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पोस्ट से। अब इनकी जगह पे कौन जाएंगी, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये 1 फरवरी से संभालेंगी इस पद को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक CEO के रूप में। अब अगले दिन का करंट अफेयर देखते हैं। अगले दिन का करंट अफेयर यहाँ पे जो है, ये यहाँ भी है 5-3 दिन का करंट अफेयर लेके आए हैं आपके लिए, तो देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। देखिए फटाफट करते हैं यहाँ पे, भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ AIBEA की विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला मुक्केबाज में सबसे टॉप पे कौन है, तो भारत की हैं ये वो MC मैरीकॉम। जी हाँ, ये वो भारत को प्रतिनिधित्व करती हैं और मुक्केबाजी में सबसे अव्वल नंबर पे हैं पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए अगला है, सोवियत संघ की शीर्ष विधायी इकाई सर्वोच्च सोवियत के अंतिम अध्यक्ष के मिखाइल गोवेचे ने सुधारों को कड़े आलोचना और अनातोली लुकियानोवा का निधन हो गया है, वह 88 वर्ष की थी। ये इंपॉर्टेंट उतना खास नहीं है, पर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नोट विश्व जीके में आ सके। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड जीके है उसमें पूछा जा सकता है। अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न आपके जितने भी होंगे तो बनना शुरू होंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हो चुका है, और यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अगला जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक, ये है भारतीय रिजर्व बैंक से। तो भारतीय रिजर्व बैंक श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को मुद्रा अदला बदली व्यवस्था के तहत $40 करोड़ देने का सहमत हो गया है। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बताया गया है कि आरबीआई ने श्रीलंका को $400 मिलियन यानी कि $40 करोड़ देने के लिए
यहाँ पे घोषणा कर दिया है और सहमति बना ली गई है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने पुरी में स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन से संबंधित मामले में मदद के लिए किससे अधिवक्ता और पूर्व महाअधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रंजीत कुमार, नोट कर लीजिएगा, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है। और अगला जो है हमारा कि शरद कमल ने भारत के अपने साथी जी साथियान को हराकर 9वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीतकर कमलेश मेहता का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, भारतीय टेबल टेनिस का है क्वेश्चन ये, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो हमारा है प्रश्न यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगिया इस बेंच के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, रंजन गोगिया जो हैं इसके इस बेंच के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस पूरे जो समिति बनी है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को लेकर, इसके 5 न्यायाधीशों में जो सबसे मेन है मुख्य न्यायाधीश वो है रंजन गोगिया। अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट इंडिया इज सेड टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बाई 2030। जी हाँ, इंडिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत का 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत और नॉर्वे ने ब्लू इकोनॉमिक के विभिन्न पहलुओं में बहु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत नॉर्वे महासागर वार्ता और ब्लू इकोनॉमिक पर संयुक्त कार्य बल पर स्थापना पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लू इकोनॉमिक जो है वो किसके बीच हस्ताक्षर हुआ है, तो भारत और नॉर्वे याद रखिएगा, और महासागर वार्ता के बीच में ये हुआ है। ठीक है, भारत और नॉर्वे के बीच में। ओके, और अगला जो है हमारा कि प्रणव आर मेहता ने 1 जनवरी 2019 से ग्लोबल सोलर काउंसिल GSC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि GSC का जो अभी पदभार संभाले हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? तो ये हैं प्रणव आर मेहता। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन अभियान www यानी कि वेब वंडर वुमेन लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है ये पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य देखो दोस्तों, उन महिलाओं को खोजना और उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, #www। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रेंड में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। और अगला है कि भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन ने हवाई यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, IRCTC और एक्सा, भारतीय एक्सा के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगले दिन का जो क्वेश्चन है इसे भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द हेनली, जी हाँ, यहाँ नोट कर लीजिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि जो पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान ने लगातार दूसरी बार 2019 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के वैश्विक सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारत का स्थान कितना है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है 79th। ठीक है, यानी कि 79वां स्थान है भारत का हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। ओके, और जापान ने लगातार दूसरी बार 2019 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वैश्विक सूचकांक का अपने शीर्ष स्थान पे है। ओके, अगला जो है यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि नीदरलैंड ने आई जुमेदिन में टाटा स्टील के संयंत्र को उसके प्रतिष्ठित समुदाय में शामिल कर लिया गया है, और यह सम्मान उन विनिर्माण इकाइयों को दिया जा रहा है जिन्हें चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रौद्योगिकियों की अगुवा के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, इट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अब अगला है कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू न्यू एम्स इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड वन इन गुजरात। ये क्वेश्चन बनेगा एम्स का, जो अभी हाल ही में दो नया एस्टेब्लिश किया गया है, वो एक तो जम्मू कश्मीर में है तो दूसरा कहाँ है, तो वो गुजरात में है। ठीक है, या तो गुजरात या तो जम्मू कश्मीर को हटा के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस मॉडल सिग्नल सिंगल विंडो फॉर द फैसिलिटिंग इन्वेस्टमेंट एंड द प्रमोटिंग इज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आंसर है जापान। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल निवेश बढ़ाने और कारोबार को सगमकता के लिए भारत और जापान के बीच उन्मत्त मॉडल का एक एकल खिड़की यानी कि जो एक सिंगल विंडो कह सकते हैं फैसिलिटी का समापन किया है, समझौते पे एक हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में। चलिए अब अगले हम प्रश्नों पे जाते हैं। यहाँ पे अब आ चुके हैं हम लोग थोड़ा सा इंडियन जो स्टैटिक जीके हैं उस पे। तमिलनाडु के सीएम जो हैं ईके पल्लवी स्वामी ने राज्य विधानसभा के कल्लाकुरिची नाम से 33वें जिले का निर्माण कर दिया है और जिसे विल्लुपुरम को द्विभाजित करके बनाया गया है। विल्लुपुरम एक जिला था, उसको विभाजित कर दिया गया है और कल्लाकुरिची नाम से एक जिला बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा विहीन पर निरीक्षक कार्यक्रम के लिए तहत स्विट्जरलैंड और संबंधी सहायता देने के लिए नामित भारतीय विशेषज्ञ की सहभागिता से संबंधित विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर कर लेने की मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सिग्निंग ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस टॉर जिसे कहते हैं, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में इसका हस्ताक्षर हुआ है। ओके, चलिए सातवां है यहाँ पे, देखिए ये कि सीबीआई जो है यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर आलोक वर्मा हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एंड एडिशनल डायरेक्टर एम नागेश्वर राव हैज बीन गिवन इंटर्म चार्ज ऑफ सीबीआई। जी हाँ, एन नागेश्वर राव को चार्ज दिया गया है सीबीआई के सेंट्रल सीबीआई के डायरेक्टर बनने का और आलोक वर्मा इसे अपना रिजिग्नेशन दे चुके हैं यहाँ से। ठीक है, आठवां है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मारटाइम इशूज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और डेनमार्क के समुद्री मुद्दों के बारे में समझौते पर एक हस्ताक्षर पे मंजूरी दे दी गई है। चलिए अब ये प्रश्न है यहाँ पे नवा कि 2019 के लिए बाल संरक्षण पर पहला राष्ट्रीय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, गया था तो दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा। अगला है हमारा कि व्यापार विकास और संवर्धन परिषद यानी कि CTDP की चौथी बैठक कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय मुद्रा अदला बदली व्यवस्था प्रस्ताव की मंजूरी दी है, तो है 75 अरब डॉलर का $75 बिलियन बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट बिटवीन द इंडिया एंड जापान। अगला है यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैज इनॉग्रेटेड आंध्र प्रदेश 7th एयरपोर्ट ऑन ओरवाकल्लू नियर कुरनूल सिटी। जी हाँ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कुरनूल शहर में के पास ओरवाकुलम आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डा का यहाँ पर शिलान्यास किया है। क्वेश्चन अगला है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड MOU विद द अदानी ग्रुप बिल्ड द डेटा सेंटर पार्क अप टू 5 GW कैपेसिटी इन द अराउंड द विशाखापट्टनम ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले 20 वर्षों में विशाखापट्टनम और उसके आसपास 5 GW क्षमता वाले डेटा सेंटर का पार्क बनाने का अडानी ग्रुप के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, GST काउंसिल डिसाइडेड टू अलाउ केरला टू लीव द CESS यानी कि सेस जिसे कहते हैं हम लोग, एक तरह का ये टैक्स है। GST काउंसिल के केरल को राज्य में हाल ही में अभी आई बाढ़ के बाद आपदा राहत प्रयासों की मदद करने के लिए जो इंटरस्टेट आपूर्ति के लिए 2 साल तक 1% का शेष जो देने का उपकर जिसे कहते हैं हम लोग अनुमति देने के लिए निर्णय ले लिया गया है।
तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके CBT 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और जो भी इस वीडियो को देखे हैं अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और इसका मैं PDF अपने एजुकेशन की एटेसिक्स के टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।